हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और इस सुनामी में जो जियो, एयरटेल और वीआई से जो बीएसएनएल पोर्ट हो रहा है, क्या आपने कराया? नहीं कराया अभी तक तो जल्दी करवा लीजिए। लेकिन पोर्ट कराने से पहले क्या आप जानते हैं कि 4G बीएसएनएल के पास बहुत पहले से था? और इंडिजीनियस 4G नेटवर्क के बारे में क्या आपको पता है कि इंडिया अब उन 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिनके पास 4G अपना है? वह 5 कंट्री जिनके पास अपना खुद का 4G डिप्लॉयड है वो है ओस्लो, नॉर्वे, स्वीडन, स्टॉकहोल्म और फोर्थ इंडिया। इंडिया के अंदर जो 4G नेटवर्क स्टार्टेड है, जो खुद का है अपना, आत्मनिर्भर भारत के तहत BSNL ने TCS के हेल्प से बनाया है। और ये है 4G नेटवर्क। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये BSNL का अपना 4G कॉन्फ़िगरेशन केबल एंटीना लग चुका है। और यहाँ पे है 4G का बेस स्टेशन। और मेरे दूसरे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कि BSNL के पास 4G तो बहुत पहले से था, जियो के 4G होने से पहले। जी हाँ, 2009 के टाइम पे वाइड मैक्स टेक्नोलॉजी जो BSNL के पास थी वो 4G ही थी। LTE जिसे कहते हैं आज के भाषा में लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इन सब बातों के अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है अभी तक BSNL को खुद का कॉमर्शियल 4G अभी तक नहीं दे पाई है। खैर वो एक अलग बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट कैपेक्स ओपेक्स और प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह कैलकुलेट करके बोलती है कि क्यों आप तो लॉस मेकिंग PSU हैं, आपको सेल क्यों नहीं किया जाए। खैर वो सब तो अलग बात है, ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे उस सब में। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इस सुनामी में जो जियो ने अभी अपना टैरिफ बढ़ाया है और एयरटेल ने जो अभी टैरिफ बढ़ाया है उसके तहत उससे परेशान है तो BSNL आ जाइए चुपचाप से। यहाँ के टैरिफ अभी भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे बेहतरीन दो ऐसे प्लान हैं जो आपको बहुत सहूलियत देंगे, जैसे 397 और 797। उससे भी बढ़िया अगर 1198 का एक प्लान है जो आपको लॉन्ग टर्म यानी कि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलता है। हमारे जो BSNL का जो परिवार है अब बहुत बढ़ गया है। और इस सुनामी के तहत तकरीबन जुलाई के मंथ में अराउंड 1 लाख कस्टमर पोर्टिन हुए हैं। तो आप कब कर हो रहे हैं पोर्टिन, आप ज़रूर बताइए। हमारा जो BSNL का जो परिवार है वो बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे BSNL अपना सिम कैटेगरी जो 4G 5G तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे और भी काम होते हैं, जैसे FTTH होता है, MSO के तहत जो लगता है जो फाइबर टू द होम होता है, इसके अंदर दो कैटेगरीज में आते हैं, FTTH होता है और एक BBNL होता है जो ग्राम पंचायत के अंदर रहता है। तो आपके पास में अगर गांव है तो वहां पे BBNL अपना इंटरनेट ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, जो BSNL ही प्रोवाइड करती है। और यह आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल एक योजना चली थी उसके तहत ये प्रोग्राम चलता है। और FTTH भी एक बहुत बढ़िया प्लान है जो आपके घर में IoT के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के नाम से जाना जाता है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वाईफाई, आपका पूरा होम सिस्टम, आपका पूरा होम वाईफाई के अंतर्गत पूरा कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया एक BSNL आपको EV के तौर पे देती है। तो आप किस तरीके का फैसिलिटीज हमसे लेना चाहते हैं, ज़रूर संपर्क करिए अपने निकटतम BSNL ऑफिस में या किसी भी CSC काउंटर के पास, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो कब आ रहे हैं आप BSNL के अंदर? स्वागत है आप सभी न्यू कस्टमर्स का हमारे BSNL में, और BSNL आपका स्वागत करता है। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप जितने भी जहां से भी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।